ब्राजील में इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक देश की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिनको काबू में करने के लिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से फेल होती नजर आई है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों की ओर से संसद में किए गए उत्पात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े शब्दों में निंदा की। दरअसल ब्राजील में पिछले साल हुए राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हरा दिया था। उसके बाद से पूर्व राष्ट्रपति और उनके समर्थक इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक देश की संसद में जबरदस्ती घुसकर नारेबाजी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिनको काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और करीब 400 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदर्शन की निंदा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा को टैग करते हुए एक ट्वीट में कहा, ब्रासिलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगों और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया ऐतराज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों की ओर से किए जा रहे उत्पात पर ऐतराज जताते हुए एक ट्वीट किया और कहा, मैं लोकतंत्र पर हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर हमला किया गया। ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों को हमारा पूरा समर्थन है। ब्राजील के लोगों की इच्छा को कम नहीं किया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रपति लुला के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। आपको बता दें कि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति के हजारों समर्थक रविवार को हाथों में हरे पीले रंग के झंडे लेकर देश के संसद और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे और राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा के विरोध में नारेबाजी करते हुए संसद के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। और ये पूरी घटना उस समय घटी जब ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा अराराकुआरा सिटी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रपति ने हर हाल में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद संसद और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और कई प्रदर्शनकारियों को वहां से गिरफ्तार किया। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।